पुलिस अधिकारी दे कतल मामले विच पुलिस वालों की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस विच की किया गया तुसी भी सुनो। सो अंडर सेक्शन 302 ते 25 आर्म्स एक्ट मैं दसना चाहता है कि लवप्रीत सिंह अपने बयान विच लिखाया कि उन्होंने पिता नवापिंड चौंकी विच तैनात सन ते कल शाम अराउंड 8 बजे उन्होंने किसी अणपछाते नंबर तो कॉल आई जिदे नाल उन्हां दी काफ़ी बहसबाजी हुई उस कॉल के उत्ते ते उस तो बाद उन्होंने अपने परिवार वालों दसिया कि मैं नवापिंड चौंकी एक पुलिस फाइल देन जा रहा हाँ। ये कह के वो अपनी एक्टिवा के उत्ते घरों चले गए। जदों 9:30 बजे तक वो घर नहीं मुड़े तो उन्होंने वाइफ ने उन्होंने नंबर के उत्ते कॉल करके देखा तो उन्हों का फोन जड़ा सीगा स्विच ऑफ आ रहा सीगा। जो परिवार ने सारी रात फिर उस तो बाद चौंकी गए तो उन्होंने जाके पता लगा कि सरूप सिंह जी जड़े ने चौंकी आए ही नहीं सके। उन्हों की भाल इन्होंने रात की तो सुबह जी उन्होंने डेड बॉडी है उन्होंने खानकोट की जी लिंक रोड है वो लागे मिली जिदे विच उन्होंने कन के लागे गनशॉट इंजरी सी एक राउंड उन्होंने फायर होया सी उन्होंने गनशॉट इंजरी सिर के लग्या सीगा ते उन्होंने काफ़ी खून बह जाण दे करके उन्हों की उत्थे मौत हो चुकी सी। जो तुरंत कार्रवाई करदे होया पुलिस ने FIR रजिस्टर की ह्यूमन इंटेलीजेंस और टैक्निकल जी जी साड़ी सर्वेलेंस है वो उत्ते काम करदे होया असी जिहड़ा दोषी है उन्होंने ट्रेस कर लिया जिहदा कि नाम शरणप्रीत सिंह सन ऑफ गुरदेव सिंह है जो कि दशमेश नगर PS तरसिका का रहने वाला है। दोषी इस टाइम तो घरों फरार है। साड़ियां पुलिस दियां टीम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ SPD साहब SSP साहब ते DSP साहब सारियां उत्थे मौके ते ने ते उन्नू दोषी नू जल्द तो जल्द गिरफ्तार करके तफ्तीश जिहड़ी है अगे वधाई जाएगी। इहदे विच मैं दसना चाहवांगा कि उन्हां दा जो प्राइमाफिसी सामने आई है गल कि उन्हां दी परसनल रंजिश ही है कोई इहो जी गल नहीं। जो उन्हां दे परिवार वालियां नाल गलबात हुई है काफ़ी फोन दे उत्ते जिहड़ी उस व्यक्ति दे नाल है उस नाल उहदी तिखी बहसबाजी हो रही सी। सो जिथों तक हुण तक दी तफ्तीश हुई है उहदे विच इही है कि उहदी निजी रंजिश उहदे नाल हैगी है जो इहनां दी मौत दा कारण बणिया। हाँ जी दो दिन की छुट्टी ते सीगे जी दिवाली दे करके असी मॉर्निंग अज उन्होंने ज्वाइन करनी सी पहलो छुट्टी दे सी उन्हों का बेटा भी जड़ा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीगा ते बैंगलोर तो इतने दिवाली की छुट्टियां करके आया होया सीगा। अजे तक कोई CCTV फुटेज नहीं सामने पर मैं तुम्हें दसिया कि टैक्निकल सर्वेलेंस करते हुए जो टैक्निकल एविडेंस है उन्होंने कलैक्ट करते हुए असी जो दोषी है उन्होंने आइडेंटीफाई करने में कामयाब हुए हैं तो जल्द तो जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा जी। एक गोली लगी है तो उतों एक राउंड जोड़ा है सानू रिकवर होया 0.32 बोर का 32 बोर का तो जो दोषी की गिरफ्तारी होंगी है तो इमीजिएटली जो वैपन ऑफ इन कतल का वैपन हैगा वो भी रिकवर कर लिया जाएगा। एज ऑफ नाउ एक दोषी असी आइडेंटीफाई कर लिया बट सानू जो जेकर कोई होर भी ये दोषी इनवॉल्व होएगा तो वो खिलाफ भी बनती कार्रवाई की जाएगी। नहीं ये उन्हें परिवार ने दसिया कि हाँ जो रात में यह गल कह के घरों निकले है लेकिन जो उन्होंने बाद में सारी एपीसोड हुई उस टाइम तो उन्होंने भी नहीं सोचा कि यहोजी गल हो सकती है बट जो टोटल जी असी टोटैलिटी के लिए देखिए तो उस फोन कॉल का आना उस तो बाद उन्होंने घरों जाना तो उस तो बाद उन्होंने फोन स्विच ऑफ हो जाना उस करके असी सारी जी इस कंकलूजन है कि निजी रंजिश के करके ही इन्हों की जी मौत का कारण बना। जी फोन कॉल तो बाद उन्होंने ये गल अपनी अपने परिवार को दसी घरों जाने वास्ते बाकी जो उन्होंने उस टाइम तो वैपन कोई नहीं सीगा। बाकी तफ्तीश जारी है जी इस तो बाद जी भी तफ्तीश हम अगे आएगी वो बारे भी तुम अपडेट कर दिया जाएगा जी। एज ऑफ नाउ यहोजी गल कोई सामने नहीं आई जे एज ऑफ नाउ यहोजी कोई गल सामने नहीं आई साढ़े। अच्छा ये FIR नंबर 300 नंबर FIR है मिति 16/11/2023 अंडर सैक्शन 302 IPC 25 आर्म्स एक्ट PS जंडियाला गुरु।